तो दोस्तों एक टाइम था कि दुनिया में सिर्फ एक टाइप का वेस्ट देखने को मिलता था, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक। लेकिन आज के टाइम पे इतने ज़्यादा हम डेवलप हो चुके हैं कि वेस्ट मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलने लगे हैं, जिसमें से 5 कॉमन हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेस्ट, दूसरा है सोलर पैनल से, तीसरा प्लास्टिक, चौथा इलेक्ट्रिक सेल्स और 5वां है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, यानी कि जो हमारे पुराने स्मार्टफोन्स, लैपटॉप और मॉनिटर से निकलता है, जिसको लेकर के अमेरिका ने एक रिसर्च के दौरान 2017 में चेतावनी दी थी कि अगर इस वेस्ट को रिसाइकल नहीं किया गया या रोका नहीं गया तो ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा विनाशकारी कदम हो सकता है। और इसका सॉल्यूशन निकाला है एक भारत के स्टार्टअप ने, जिसके ऊपर हम सभी को गर्व होना चाहिए। और आप इस स्टार्टअप के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। तो दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक चिप, सेमीकंडक्टर मशीन्स, PCB, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए सभी प्रकार के मटेरियल्स देश के अंदर मैन्युफैक्चर किए जाएं, जिससे हमारे देश के अंदर भी एडवांस टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर सिस्टम को डेवलप किया जा सके। लेकिन इसके अगर दूसरे पहलू को देखें तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा ई वेस्ट निकलने वाला है। जहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2018 में 48.5 मिलियन टन ये ई वेस्ट निकला था। लेकिन भारत का ही एक स्टार्टअप जिनका नाम है करो संभव, अब ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में रिसाइकल करने का काम शुरू कर चुके हैं, जो एक साल में लगभग 3.2 मिलियन मैट्रिक टन पुराने स्मार्टफोन, लैपटॉप, मॉनिटर और भी सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दुनिया में जापान, चाइना, अमेरिका, जर्मनी जैसे देश भी इस ई वेस्ट से परेशान हैं। और आप सोच सकते हैं कि ये भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसको अगर कुछ कड़ियों में जोड़ें तो इस ई वेस्ट से जो भी मटेरियल निकाला जाएगा वो देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज को सप्लाई किया जाए और वो नए नए मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को डेवलप करें, जिसकी वजह से ये चक्रण पूरी तरीके से चलता रहेगा, जिससे रिसाइकिलिंग के प्रोसेस में, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में और इसको स्टोर करने के प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। वहीं बड़े देशों की बड़ी कंपनियों ने भी कुछ टारगेट बना रखे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने 2030 तक ये कहा है कि वो अपने प्रोडक्ट से शून्य ई वेस्ट को उत्पन्न करना शुरू कर देंगे, यानी कि उनसे रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनसे कोई भी पोल्यूशन नहीं होगा, या फिर जितना पोल्यूशन होगा ये उसको रिसाइकल कर लेंगे। प्रदेश का ये स्टार्टअप कई सारे प्रोग्राम्स स्कूल में चलाते हैं, जिससे लोगों के अंदर रिसाइकलिंग की भावना आए और वो इस रिसाइकलिंग प्रोसेस में अपना योगदान जरूर दें। और अब हम आपको कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे कि किस तरीके से ये लोग काम करते हैं, तो आप भी देखिए। देखा कि एग्रीगेटर जो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जिनका काम डेली वेजेस पे ई वेस्ट इकट्ठा करना, उसको आगे मूव करना। हमने एक ग्रुप बनाया, चैनलाइज किया उसको, चैनलाइज करने के बाद वहाँ से वेस्ट को मूवमेंट शुरू कराया। करो संभव की टीम वहाँ गई और हमने उनको एजुकेट किया, उनको ऑनबोर्ड किया, उनको GST और बैंक के लिए एनरोलमेंट के लिए उनको प्रोसेस करना सिखाया। हमने धीरे धीरे उनसे मटेरियल कलेक्ट करना स्टार्ट किया। An important requirement to solve the problem in this sector is also the need for transparency, which has been lacking for years. Karo Sambhav's tech approach matched with their principle of transparency when it comes to how the waste is being managed, where it comes from, where it goes, is really creating a paradigm shift in how we manage e-waste. और साथ ही साथ जो शहरी गरीबों का जो शहर के GDP में जो contribution है उसको कैसे हम लोग enhance कर पाएं। और ये देश के कोने कोने से इस ई वेस्ट को कलेक्ट करके रिसाइकलिंग का काम करते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हम फ्री प्रमोशन करते हैं जितने भी इंडियन स्टार्टअप हैं जो हमारे देश के लिए बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो इनके YouTube चैनल, Instagram के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। और हमारे Instagram का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चाहें तो हमें भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हम कई अब प्रमोशन करने वाले हैं। आप लोगों का इस ई वेस्ट के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपको अगर हमारा कंटेंट और काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आगे चल के दूसरे लोगों का सपोर्ट करेंगे। दोस्तों अगर आप भारत के ऐसे ही क्रांतिकारी और स्टार्टअप्स के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप राइट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और वीडियोस देख सकते हैं, और अगर आप मेड इन इंडिया वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक करके और भी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।